दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल गुमी किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर सई की बिगड़ने वाली है हालत। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर राजीव की हालत तो खराब होती ही है, लेकिन यहाँ पर विराट जैसे ही शादी का फंक्शन खत्म करके पहुँचेगा, देखने को मिलने वाला है कि सई की बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है। और वो विराट का सामान पे कर रही होती है और कह रही थी कि विराट सर आपको तो जाना है, और वो जो उसका सामान छूट रहा होता है वो उसे भी देने की कोशिश कर रही थी, जबकि विराट के दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या सही में सच में सही ने अब गिव अप कर दिया है और वो अपने रिश्ते को आगे अब नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि विराट ने रिश्ता तोड़ दिया इसीलिए। लेकिन विराट कहीं ना कहीं अब दिल में यही चाह रहा है कि उसका दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। वो चाहता है रुकने के लिए, लेकिन दिमाग कह रहा है कि वो वही फिर से उसके साथ सही धोखा ना कर दे, यानी कि उसे छोड़कर ना चली जाए, इसीलिए वो रुकना भी नहीं चाहता और रुकना भी चाहता है और वो असमंजस में होता है। लेकिन सही का बिहेवियर उसे और ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है और इसीलिए वो ज़्यादा तो यही सोच रहा होता है कि मैं रुक जाऊँ और सही से सवाल पूछूँ कि वो क्या सच में उससे इतना प्यार करेगी, क्या वो अभी उसके बाद कभी उससे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन सही की यहाँ पर देखने को मिलता है कि सही तो उसका सामान पैक करने में लगी होती है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती है और यहाँ पर उसको फीवर हो जाता है और विराट उसे संभालते नजर आता है, जिससे उसे टच करने से उसे पता चलता है कि सई को काफ़ी ज़्यादा फीवर हो चुका है। वो सही सिर्फ शादी में खुश होने का और ये सब कुछ दिखावा कर रही थी और शिवानी बुआ की शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए इसीलिए वो बस शादी को एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर विराट को फिर समझ आता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। विराट उससे नाराज़ होते नज़र आता है, लेकिन सही कहती है क्यों आपको तो जाना था ना, और मैं नहीं चाहती कि आपको फिर ऐसा लगे कि किसी बहाने से आप मेरे साथ रुक गए और फिर आप यही सोचेंगे कि मैं इमोशनल हो रही हूँ या इमोशनली ड्रामा करके आपको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। और वैसे मैं आपको क्या पड़ी है मुझसे मेरे बीमार होने या नहीं होने से, आपको तो जाना है, आपका तो ट्रांसफर आपने सिर्फ शिवानी बुआ के लिए ही तो आप रुके थे, अब आप जा सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर विराट उस पर गुस्सा होते नजर आएगा और सई के लिए उसकी देखभाल करते नजर आएगा और सई किससे उस यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मोहित और सभी घर वाले यहाँ पर जो भी सई और विराट को साथ में देखना चाहते हैं शिवानी, वो सब यही बताने की कोशिश करेंगे विराट को कि देखो सई के दूर हो जाने के नाम से ही सई कितनी परेशान हो चुकी है और शायद वो टेंशन में इतनी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है कि वो इसीलिए तुम बीमार हो गई है और तुम्हें इसका प्यार दिखाई नहीं दे रहा। विराट वीरू तुम्हें को इतना भी समझ नहीं आ रहा और तुम्हें कितना समझाने की जरूरत पड़ेगी, और विराट को शिवानी समझाएगी। अब यहाँ पर विराट का फैसला बदलते नजर आएगा सई की हालत देखकर और फाइनली वो माफ़ कर देगा सई को।